हेलो गाइस, तो आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से फर्टिलाइजर स्टॉक जो है उनमें काफ़ी सारी तेजी देखी जा रही है और एक संगीन स्थिति बनी हुई है। लोगों के मन में विचार आ रहा है इसमें इन्वेस्ट करना या इसे अवॉइड करना। जिन्होंने ले रखा है वो सोच रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट बुक करने का सही समय है या नहीं और कितना ये भागने वाले। तो दोस्तों, ऐसा ही एक फर्टिलाइजर स्टॉक आपके लिए आज लेकर के आया, मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड, जो कि देख लीजिए 4-5% का सर्किट यहाँ पर लगता हुआ दिख रहा है। इसके करंट प्राइस 76.5 पैसे के आसपास है, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इसका मार्केट कैप सबसे पहले आप देखेंगे 1232 करोड़ रुपए के आसपास, करंट प्राइस 76.05 रुपये, और लोअर हाई देखेंगे तो 27 रुपये का लो था, 96 रुपये का हाई मारा। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कितनी तेजी फर्टिलाइजर स्टॉक में आप देख सकते हैं। वहीं इसकी बुक वैल्यू देखेंगे तो माइनस में है, तो एक इसका बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, डिविडेंड कंपनी नहीं देती, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे 400% के ऊपर है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे 13.1%, और सबसे अच्छी बात प्रमोटर्स की होल्डिंग्स 85.3% के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 236 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ कंपनी को टैक्स पे करने के बाद। वहीं कंपनी पर 1602 करोड़ रुपए का आसपास का डेप्थ है, उसके बावजूद कंपनी की सेल्स जो 3150 करोड़ के आसपास है। तो एक बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स है इसके। इसके साथ साथ इसके रिटर्न्स की बात करें, इसके रेवेन्यू की बात करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे वन डे सर्किट 5% का लगा हुआ। जिस तरीके से इसमें न्यूज़ निकल कर आई कि बजट तक फर्टिलाइजर स्टॉक जो है वो काफ़ी अच्छी शानदार तेजी यहाँ पर दिखा सकते हैं, तो इसका नमूना आप यहाँ देख सकते हैं। 1 वीक में 3% का लॉस है, लेकिन 1 मंथ में 42% की तेजी इस स्टॉक के अंदर देखी गई। अगर आपने इसमें 1 लाख रुपये लगा दिए तो 1,42,000 रुपये आपके इस स्टॉक में सिर्फ एक महीने के अंदर बन जाते। तो इतना अच्छा रिटर्न्स बड़े से बड़ी मल्टीबैगर कंपनी आपको नहीं देती। वहीं 1 ईयर्स के रिटर्न्स देखेंगे तो 160% के आसपास के 1 ईयर रिटर्न्स आपको देखने के मिल जाते। 3 ईयर्स के रिटर्न्स देखेंगे 275% के रिटर्न्स आपको 3 साल के देखने के लिए मिलते। 5 ईयर्स की बात करें तो 44 टाइम्स रिटर्न्स आपको देखने के लिए मिलते। तो ओवरऑल ऐसा नहीं कि कंपनी अभी अच्छा परफॉर्म कर रही, शुरू से ही फर्टिलाइजर स्टॉक जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और उसमें खास करके मद्रास फर्टिलाइजर आप देखेंगे 3 ईयर्स के रिटर्न्स तो काफ़ी काबिले तारीफ रिटर्न्स आपको देखने के लिए मिल जाते। लेकिन कल जिस तरीके से बाजार टूटा है उसके बावजूद आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें अपर सर्किट लगा हुआ, बाजार टूटने के बावजूद अपर सर्किट लगा हुआ है, और इसका हाई और लो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसकी वैल्यू देखेंगे 26.47 करोड़ रुपये के आसपास की। फाइनेंशियल पर हम नज़र डालते हैं, अगर सितंबर 2021 का क्वार्टर आप देखते हैं तो इसका रेवेन्यू 382 करोड़ था, लगातार ऊपर की तरफ रेवेन्यू इसका इंक्रीज हुआ है, और सितंबर 2022 में 912 करोड़ का रेवेन्यू इसने जनरेट कर दिया है। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है दोस्तों। सितंबर 2021 में इसको 12 करोड़ के आसपास का लॉस था, लेकिन सितंबर 2022 में 24 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, यानी दुगना हो गया है, दुगने स्पीड से भागा है। नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी फिलहाल इसकी माइनस में नेटवर्थ दिख रही, लेकिन ये उसको कवर करती हुई दिख रही। पहले इसकी नेटवर्थ सितंबर 2021 में 635 करोड़ माइनस थी, लेकिन इसने कवर करके सितंबर 2022 में 386 करोड़ माइनस, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। वहीं पर मैंने दूसरी बात इसकी बताई, प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो जिस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग्स 40% से ऊपर अगर होती है फ्रेंड्स, तो कंपनी कहीं ना कहीं काफी अच्छा परफॉर्म करती थी। यहां पर 85.27% की आपको देखने के लिए मिल जाती है। वहीं रिटेल्स एंड अदर की देखेंगे 14.71% है, और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग्स देखेंगे 0.02% के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं इसके फंडामेंटल तो काफी शानदार है। यहां पर मैक्सिमम चार्ट पर अगर आप यहां पर नजर डालते हैं, कंपनी की लिस्टिंग हुई थी 15 रुपए के आसपास, कंपनी लगातार ट्रेड करती आ रही है, और यहां पर इसने हाई मारा है 2018 में 50 रुपए के आसपास। उसके बाद कंपनी थोड़ी सी नीचे फिसली है, लेकिन जो इसका पहले का हाई था देख सकते हैं आप 50 रुपीज़ वाला, इसको इसने ब्रेक किया, किस स्पीड से ब्रेक किया, अभी 90 रुपये का हाई मार के आई, और कितनी ऊपर जाएगी इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स यहां पर, क्योंकि जिस गति से ये स्टॉक भाग रहा है काफ़ी शानदार देखा जा रहा है इसका रिजल्ट। वहीं इसके सेल्स देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर आप, तो 2019 में 313 थे, जो कि बढ़कर सितंबर 2022 में इसकी सेल्स 912 के आसपास पहुंच गई है। प्रॉफिट की बात करें पहले माइनस में था, अभी प्लस में आ गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसकी बैलेंस शीट पर हम नज़र डाल लेते हैं थोड़ी सी, तो शेयर्स कैपिटल आप देखेंगे 162 के आसपास थे 2011 में, वो अभी भी 162 के आसपास ही बने। कंपनी के पास रिजर्व्स नहीं है, रिजर्व्स माइनस में कंपनी के, क्योंकि कंपनी पर थोड़ा कर्ज है, कंपनी अपना कर्ज घटाने की कोशिश कर। वहीं टोटल एसेट्स की बात करें, कंपनी के एसेट्स में लगातार इजाफा आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जहाँ कहीं ना कहीं आपका अच्छा खासा पैसा बन सकता है। तो क्या आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर इसे अवॉइड करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना फ्रेंड्स। और अगर आपकी कोई भी कमेंट है, कोई भी सवाल है, तो हमें जरूर से कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर लेना फ्रेंड्स।